शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माले विधायक तथा शिक्षक नेता संदीप सौरभ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, आइए इस वीडियो में इनके बयान को देखते हैं। संघर्ष मोर्चा के संरक्षक आपके सामने बैठे हुए हैं। अगर शिक्षा विभाग को लग रहा है कि तमाम शिक्षक संगठनों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर ला करके उनकी तरफ से बातों को कहना, सरकार से निगोशिएट करना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके बात करना, ये अगर गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करके देखें। हम तो कह रहे हैं कि हमने हमारे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, हम देखते हैं कि आप क्या करते हैं। तो ये सब इस मुद्दे पर महागठबंधन में दरार आएगी क्या? दरार नहीं आएगी। महागठबंधन का उद्देश्य बहुत साफ है, हम देश को सांप्रदायिक फांसीवाद ताकतों से निजात दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो जन विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी भाजपा है वो हटे। वो हमारा बेस लाइन है। उस बेस लाइन पे अगर कोई संकट नहीं है तब तो किसी हाल में उसमें दरार नहीं आएगी, बल्कि हमारी एकजुटता बढ़ती जाएगी। संकट वहाँ है जहाँ पे कोई भी इस तरह के फरमान आएंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लें, और मेरे ख्याल से बात करने से सॉर्ट आउट होगा। खराब लग रहा है तो आप बाहर जा सकते हैं गठबंधन से। ये कौन नेता बोल रहे हैं? खाली दनवर कह रहे हैं जेडीयू के। अब खाली दनवर का क्या कहना है? खाली दनवर ये सब बात जानते हैं कि क्या क्या के पाठक कर रहे हैं? उनको कुछ पता है? के पाठक ने आदेश दिया है कि शिक्षा विभाग के किसी भी आदेश को लेकर के कोई शिक्षक फेसबुक पे अपना स्टेटस नहीं लगा सकता है। वो जो काम रोज कर रहे हैं उस पे कोई आलोचना उनकी अगर होगी तो वो जबान से बोल नहीं सकते हैं। तो मोदी का सरकार चलाने में और बिहार का ये शिक्षा विभाग चलने में अंतर क्या हो जाएगा? ये उनको बुझाता है खालिद दनवर या जो भी हैं एमएलसी हैं जदयू के, तो वो पहले ये बात को समझ लें कि क्या क्या मामला चल रहा है, उसके बाद वो बात कहें। क्या किसी अपर मुख्य सचिव को ये अधिकार है कि किसी एमएलसी का पेंशन रोक देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, शोकॉज निकाल देंगे? ये कोई अधिकार उनका है?